बच्चों, आज मैं आपको एशिया महाद्वीप के धरातलीय स्वरूप के बारे में जानकारी दूंगी। एशिया विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है। विशाल आकार में फैले होने के कारण इस महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप विभिन्नताओं से युक्त है, अर्थात यहाँ पर हमें अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। संपूर्ण महाद्वीप धरातलीय स्वरूप का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता पड़ता है इस महाद्वीप में सभी प्रकार की चट्टानें, सभी प्रकार की अवस्थाएं, धरातलीय आकृतियां तथा सभी प्रकार की अनाच्छादनकारी प्रक्रम देखने को मिलते हैं। इस महाद्वीप में प्राचीन चट्टानों से निर्मित धरातलीय स्वरूप से लेकर नवीनतम चट्टानों से निर्मित धरातलीय स्वरूप मिलते हैं। अरावली पर्वत तथा अरब के पठार एवं धरातलीय स्वरूप की प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। अंगारा लैंड स्थलखंड का एक भाग उत्तरी साइबेरिया का मैदान, एशिया का सबसे पुराना मैदान है। यह भाग कठोर तथा रवेदार चट्टानों का बना हुआ है, तो दूसरी ओर एशिया महाद्वीप के धरातल पर नवीनतम चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ, नदी की घाटियाँ तथा मैदान पाए जाते हैं। अतः हम धरातलीय विशेषताओं, उच्चावचीय विभिन्नताओं के आधार पर एशिया महाद्वीप को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे उत्तर की निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वत पठार का क्रम, दूसरा दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार और नदियों की घाटियां तथा द्वीप समूह। सबसे पहले बच्चों, उत्तर की निम्न भूमि। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में विशाल निम्न भूमि का विस्तार है। उत्तरी भाग में विस्तृत यह निचली भूमि त्रिभुजाकार मैदान के रूप में फैली है, जिसे साइबेरिया के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान के उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर, पश्चिम की ओर यूराल पर्वत, दक्षिण व पूर्व की ओर एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम स्थित है। पश्चिम की ओर यूराल पर्वत श्रेणी है, इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करती है यह विशाल मैदान। उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण एशिया की मध्यवर्ती पर्वत पठार श्रृंखला तक 3400 किलोमीटर चौड़ा तथा पश्चिम में यूराल पर्वत के पूर्व प्रशांत महासागर के तट तक लगभग 7500 किलोमीटर लंबाई में फैला है। संरचना के आधार पर इस मैदान का निर्माण ओबे यानी सिलीना नदियों के अपरदन एवं निक्षेपण से बृहत हिमयुग हिमनदों द्वारा हुआ। इस मैदान की स्थानीय विशेषताओं के आधार पर इसको कई भागों में बांटा है। नंबर एक, पश्चिमी साइबेरिया का विस्तृत मैदान। नंबर दो, पूर्वी साइबेरिया का मैदान व पर्वतीय भाग। नंबर तीन, मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। और नंबर चार, रूसी तुर्किस्तान का मैदान। अब आता है बच्चों, इसके बाद आपका आता है मध्यवर्ती पर्वत पठार का क्रम। पश्चिम महाद्वीप के मध्य भाग में फैला हुआ यह पर्वत इस महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस पर्वत श्रेणियों का विस्तार एशिया के लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो इस महाद्वीप का लगभग 20% से अधिक भाग है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में टर्की भाग, भूमध्य सागर के तट से पूर्वी बेरिंग सागर तक एशिया के मध्य भाग में है। इस पर्वत श्रेणियों के मध्य में अनेक उच्च पठार सम्मिलित हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ पामिर की गाँट के उच्च भाग से निकलती हैं, जो दुनिया की छत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद बच्चों,
हिमालय की उत्पत्ति 65 से 70 मिलियन वर्ष पुरानी मानी गई है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन का विरूपण के प्रमाण उपलब्ध है, जिससे ये जानकारी होती है कि हिमालय की उत्पत्ति बहुत प्राचीन समय में हुई। हिमालय के स्थान पर कार्बोनेफेरस काल में एक टैथिस सागर नाम की भू अभिनीति थी, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड भूखंड स्थित थे। कालांतर में इस भू अभिनीति में तलछटों में निक्षेपण होता रहा, यानी बाहरी शक्तियाँ जैसे नदी है, हवा है, ये इसके अंदर विभिन्न अवसादों को जमा करती रहीं। तत्पश्चात गोंडवाना लैंड के उत्तर की ओर खिसकने से टैथिस सागर में ये अवसाद ऊपर उठे और हिमालय का संपीड़न द्वारा उद्भव हुआ। गोंडवाना लैंड भारत प्लेट का ही एक भाग था, जिस यह खिसाव मेसोजोइक महाकाल के अंतिम चरण में तथा कैनियोजोइक महाकाल के प्रारंभिक समय में हुआ। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का दूसरा क्रम पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इस क्रम में उत्तर पश्चिम की ओर हिंदू कुश एलबुर्ज पर्वत श्रेणी का विस्तार है। एलबुर्ज श्रेणी आर्मीनिया की गांठ पर समाप्त हो जाती है। पामीर की गांठ से दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, किरथर और जगरोस पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब बच्चों आता है आपका तिब्बत का पठार, यानी यहाँ पर अनेक विभिन्नता तो है। तिब्बत का पठार, तारिम बेसिन, जुगेरियन बेसिन, सैदाम का पठार, ईरान का पठार, एशिया माइनर का पठार दिखाई देते हैं। तीसरा आता है दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार, और उसके बाद एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी तथा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन चट्टानों से निर्मित 3 प्रायद्वीप पठार हैं, जैसे अरब प्रायद्वीप का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, हिंद चीन का पठार। ये पठार एक प्राचीन भूखंड के अंग है, जिसे गोंडवाना लैंड भूखंड के नाम से जाना जाता है। एशिया के दक्षिण भाग में स्थित इन पठारों को दृढ़ भूखंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूखंड भूगर्भिक हलचलों के कारण अपने अस्तित्व में आए हैं। चौथा आता है बच्चों नदी की घाटियाँ। एशिया महाद्वीप में नदी घाटियों का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कम क्षेत्र ही विस्तृत है, लेकिन मानवीय उपयोग की दृष्टि से ये नदी घाटियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया की 3/4 जनसंख्या इन्हीं नदी घाटियों में निवास करती है। ये नदी घाटियाँ अत्यंत उपजाऊ हैं। एशिया महाद्वीप विश्व की महानतम नदी घाटी संस्कृतियों का महाद्वीप है। इस महाद्वीप में अनेक नदियाँ के छोटे बड़े बेसिन मिलते हैं, जहाँ एशिया का प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पनपी है, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं। एशिया की नदियों के प्रमुख मैदानों में दजला, फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मिनाम, मिकांग, सिक्यांग, यांगसी क्यांग, हांगो का मैदान महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद आता है आपका द्वीप समूह मालाएं, कि यहाँ पर एशिया महाद्वीप से पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी की ओर द्वीपों की एक विस्तृत पंक्ति चाप के आकार में फैली हुई है। द्वीपों पर लावा की मोटी परत जमी है। आज भी यहाँ अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इन द्वीपों में भूखंड भूकंप आते रहते हैं तथा ज्वालामुखी फटते हैं। इन महाद्वीपों के तटीय मैदान छोटे तथा सक्रिय हैं।
उष्ण आर्द्र जलवायु एवं लावा जनित उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ चाय, रबड़, कॉफ़ी, मसाले, गन्ना, नारियल की खेती होती है। यहाँ बागाती कृषि भी की जाती है। तो बच्चों, ये आज तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।